नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। ग्राम पंचायत के उप सरपंच शेरो यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत के कोठी के अंतर्गत लगभग 3 वर्ष पूर्व 3 एकड़ शासकीय भूमि पर तत्कालीन शिवराज सरकार ने ओंकारेश्वर में नमामि देवी यात्रा के दौरान हुए भव्य कार्यक्रम में वृक्षारोपण किए गए थे, जिसमें हजारों पौधे विभिन्न प्रजातियों की देखरेख अभाव में पूरी तरह मर चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। में लगाए थे नमामि देवी नर्मदे के, इसमें जिसमें तार फेंसिंग वगैरह जो एंगल से की थी, इनने पक्की करवाई थी, तो अब वहाँ यहाँ पौधा भी नहीं हो। जो लोगों ने प्रयास तो किया जाने का, लेकिन सरपंच और सचिव की लापरवाही से, सहायक सचिव की लापरवाही से यहाँ पौधे जीवित नहीं है, और सरपंच के द्वारा वो मजदूरों करके और तार खम्भे भी उखाड़ के उनके घर ले गए। अब ये 10 बाय 10 में लगाए थे पौधे, सभी तरह के पौधे लगाए थे, फल के भी लगाए थे, जंगली भी लगाए थे, तो वो ब्यौरा बताते ही नहीं है। बोले हमने ऑनलाइन कर दिया है, तो वो बताते नहीं है। शिकायत तो करीब कोई सुनवाई नहीं हुई। शेर सिंह यादव है, उप सरपंच हूं मैं पंचायत कोठी का। मेरठ में गरजे राजनाथ सिंह, कहा कि कोई माई का लाल देश के मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं छू सकता। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागरिकता संशोधन कानून सीए के समर्थन में जन जागरण रैली को संबोधित करने मेरठ पहुंचे। रैली में भारी संख्या में लोग आसपास के जिलों से भी पहुंचे। आज राजनाथ जी की विशाल रैली एक का जन जागरण कर रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य है पूरा, आपको कितनी खुशी है आज? गोंडा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साप्ताह कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे व अभिभावकों को जागरूक किया गया। इस क्रम में शिक्षक बलजीत सिंह कनौजिया द्वारा बताया गया कि संतान बेटा हो या बेटी, समाज व परिवार के लिए दोनों का समान महत्व है। आज हमारे स्कूल कंपोजिट विद्यालय सोनबरसा बक्सरा अज्ञाना मनकापुर गोंडा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पोस्टर बनाया, निबंध लिखा, बच्चों को इनाम भी दिया गया। देवास शाजापुर में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी देवास जिला योजना समिति बैठक के दौरान भरी सभा में कहा कि मैं आपको उठाकर बाहर कर सकता हूं। इसी बात को लेकर आज मोहन बड़ोदिया में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री जीतू पटवारी का पुतला भी जलाया गया। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए जा सकते हैं देवेंद्र सिंह चौहान। वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी जनपद के गांव मकंदरपुर मोजा कंकन दौलतपुर थाना करहल के मूल निवासी हैं। डीएस चौहान के नाम से जाने जाते हैं, यूपी के बेहतरीन आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने देवेंद्र सिंह चौहान को वापस मांगा। वहीं आपको बता दें कि 1988 बेंच के डीजी रैंक के ऑफिसर हैं।